राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सांगली में एक सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के जरिए हम जानना चाहते हैं कि अलग अलग वर्ग के कितने लोग हैं और उनका क्या हक है। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया, लेकिन जब हमने दबाव डाला तो आरएसएस ने कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है। देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात है। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां जाति जनगणना जरूरी है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। हमने जाति जनगणना की बात की, हमने कहा कि देखिए देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। मैंने कुछ गलत बोला? सही बोला ना कि ये पता लगाना है अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये कितने हैं, इनकी आबादी कितनी है और इनका हक क्या है और कौन सी संस्थाओं में इनके लोग हैं। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात है। बीजेपी के लोग एकदम कहते हैं नहीं, हमने दबाव डाला, न्याय यात्रा की और पहले ये सारे के सारे लोग कहते थे कि जाति जनगणना के हम खिलाफ हैं। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।